नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैटर्न। पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जो इसमें प्रकार बता दूं कितने कितने प्रकार से पूछे जाएंगे, इसकी पहचान कैसे करना है आपको कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसमें आएंगे किस प्रकार से पैटर्न फॉलो होगा। बीच में या तो आपको खाली स्थान दे दिया जाएगा या फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। इस प्रकार से पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक पर आधारित। तो सबसे पहले बात करूं तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं संख्याओं पर, संख्या पर आधारित पूछे जाएंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा आकृति पर आधारित पूछे जाएंगे, या फिर पूछा जाएगा पांसे पर आधारित पूछे जाएंगे, या फिर वर्णमाला पर आधारित पूछे जाते हैं, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला दोनों पर पूछे जा सकते हैं, सबसे ज्यादा अंग्रेजी में। और दैनिक जीवन से संबंधित पूछे जा सकते हैं, दिन पूछे जा सकते हैं, सप्ताह पूछे जा सकते हैं, माह पूछे जा सकते हैं, वर्ष, घड़ी, कैलेंडर पूछा जा सकता है। तो इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पैटर्न पर, ठीक है। और साथ ही साथ में जो बेसिक जो एक्टिविटी होती है, दिन सप्ताह होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ शब्द होते हैं। साथ ही साथ एक चीज लिखना भूल गया, क्या कोण, कोणों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या कोणों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके सभी देखेंगे अपन। सबसे पहले बात करूं मैं संख्याओं की, तो संख्या में पूछे जा सकते हैं काय के, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये चार चीजें रहेंगी आपकी, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चार चीजें संख्याओं पर आधारित होती हैं। किसी किसी श्रेणी में क्या रहेगा कि जोड़ भी होगा वहां पर घटाना भी होगा। कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से करवाए जाते हैं, यदि इसमें सबसे पहले बात करूं मैं जोड़ पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। यदि आपको संख्या दे दी, दो दे दी, इसके बाद छह दे दी, इसके बाद में आठ दे दी, इसके बाद में खाली स्थान दे दिया, इसके बाद में बारह दे दी, ठीक है। तो पूछेगा खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ तो छोटी सी संख्या, तो आपको पता चल गया कि दो, दो के बाद में चार, छह, इसके बाद में आठ है, इसके बाद में कितना है, यहाँ पर कितना आएगा ये देखना। तो दो और चार कितना, छह है, छह और दो कितना है, आठ है, आठ यहाँ पर, आठ और दो यहाँ पर दस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या फॉलो नहीं हो रहा, तो जे सीरीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पर संख्या की सीरीज क्या होगी, दो होगी, चार होगी, आठ होगी, अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क पर क्या संख्या आएगा, तो वो संख्या आपको पता करना है। तो दो और दो प्लस कितना होता है, चार, दो प्लस के दो कितना होता है, चार होता है, और प्लस चार, चार प्लस चार कितना होता है, आठ होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या है, गुणा हुआ है, यहाँ पर सीधा सीधा दो का गुणा हुआ है, दो में दो का गुणा, चार, चार में दो का गुणा, तो आठ हो जाएगा, आठ में दो का गुणा तो कितना जाएगा, सोलह आ जाएगा। तो या तो जोड़ पर आधारित होगा या फिर गुणा पर आधारित होगा, जे संख्या क्या है, गुणा पर, ठीक है। यदि मैंने पांच, बारह, बारह के बाद में उन्नीस, और फिर यहां पर खाली स्थान लिखा मैंने, ठीक है। तो जिस सीरीज किस पर आधारित होगी, इसमें क्या देख रहे हैं, पांच देख रहे हैं, पांच के बाद में सात है, अंतर कितने का है, सात का, बारह है, अंतर कितने का, सात का, यहां पर उन्नीस देख रहे हैं, कितने का अंतर है, सात का अंतर है, दोनों में सात का अंतर, तीसरी संख्या भी सात का अंतर होगा, तो उन्नीस में आप सात जोड़ देंगे, उन्नीस में सात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, छब्बीस, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जोड़ पर आधारित या फिर घटाने पर आधारित इस संख्या को उल्टा कर देंगे। यदि यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 25 दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, 15 है, 10 है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, क्यों, क्योंकि हर एक संख्या 5 कम हो रहा है, तो इसमें माइनस पे आ गया, इसमें प्लस पे हो गया, ठीक है, इसमें गुणा पर हो गया, और भाग पर भी आ सकता है, जैसे ये संख्या उल्टी कर दे। तो जब यहां पर क्या है, संख्याओं का अंतर कम हो, जब संख्याओं का अंतर कम हो तो वहां पर या तो जोड़ होगा या फिर घटाना होगा, ठीक है। बढ़ते क्रम में होगा, बड़ी संख्या होती जाएगी तो जोड़ होगा, घटती संख्या होती जाएगी तो क्या होगा, घटाना होगा। लेकिन जब संख्या में एकदम से बढ़ता हो या फिर घटता हो तो वहां पर होगा गुणा, जब संख्याएं एकदम से घटे और बढ़े तो वहां पर क्या होगा, गुणा होगा। अब संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है, किस प्रकार से पैटर्न पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन दिए मैंने कुछ, यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 6, 11, 18, 27, 38। तो इसमें यदि आप अंतर देखोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, जोड़ हुआ होगा, ये हुआ होगा। आप यहाँ पर अंतर देखिए, 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है, 18 और 17, 11 और 18 के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, इन दोनों के बीच के और इन दोनों के बीच के, तो अंतर पता चल जाएगा क्या अंतर है, ठीक है। 6 और 11 कितना होता है, 6, 5 कितना होता है, 11 होता है, 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, और 18 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखो कितने का अंतर जा रहा है, 18 और 27 कितना होता है,
9 और 18 होता है 27, ठीक है। तो कितने 9 का अंतर है यहाँ पर। अब 27 और 38 में कितने का अंतर है यहाँ पर देखो, 27 यहाँ पर 8 है और 3 इस साइड का 30, 8 3 11, यहाँ पर कितने का अंतर है 11 का। यदि एक प्रकार से देखा जाए तो ये विषम अंक है, ये विषम अंक है, ये विषम अंक है, ये विषम अंक है, ठीक है। यदि मैं बात करूं अभाज्य अंक की, तो अभाज्य अंक यदि करूंगा तो 9 इसमें नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो अभाज्य नहीं है, क्या है, विषम अंक है। विषम अंक एक प्रकार से विषम अंक एक से बढ़ते हुए क्रम में विषम अंक जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जोड़ा, यहाँ पर 7 जोड़ा, यहाँ पर 9 जोड़ा, ये सब क्या है इसमें जोड़ते गए, ठीक है, जिसमें जोड़ा जिसमें जोड़ा। अब यहाँ पर क्या जोड़ेगा, यहाँ पर देखो 11 के बाद विषम अंक कौन सा आएगा, 12 समय 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 13 प्लस करेंगे, प्लस में 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 3 11 की 1 आएगी, 38 प्लस में 13 करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 11 की 1 हासिल की आएगी 1, और 1 और 3 और 1 4 और 1 5 कितना आएगा, इनका आ जाएगा। तो यदि इसमें 38 में 13 जोड़े कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, एंग्ली सीरीज जा जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा, 51 आ जाएगा। यदि इसके आगे और पूछेगा तो आप इसमें 15 प्लस कर दीजिए तो आगे की सीरीज बन जाएगी। तो ऐसे करके आप कितने भी आगे तक की सीरीज बना सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ, 40 दिया हुआ, 155, यानी कि जब इतना अंतर है इसमें तो इसमें संभावना है कि गुणा हो, संभावना है जोड़ हो, साथ में घटाना भी हो सकता है। तो 10 है, 10 का डेढ़ गुना लग रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आप और आगे देखेंगे, 15 यहाँ पर 40 जो है, 40 तो और ज्यादा लग रहा है, 15 का ढाई गुना से, दो गुने से भी अधिक लग रहा है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो क्या है, इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसमें 10 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से यदि 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। यदि यहाँ पर है 15 में यदि 2 का गुणा करोगे, 15 में यदि 2 का गुणा करोगे 30 हो जाएगा। यदि आप इसमें 3 का गुणा करोगे तो 4 कितना हो जाएगा, 45 होगा। लेकिन यदि 45 में से आप माइनस करोगे 5 तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 15 की 45 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि ये 40 है, ठीक है, यदि 40 में 2 का गुणा करोगे तो 3 का गुणा करोगे तो बहुत कम आएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन वो 155 है तो आप कितना करोगे, यहाँ पर 2 का किया था, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 की कर दे, गुणे 4 करोगे तो 4 से 160 आ जाएगा। 160 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। यानी सीरीज जो चल रही है यहाँ पर, गुणा करने आपको 2 से 3 से 4 से फिर 5 से, यहाँ पर 5 से गुणा करोगे फिर माइनस कर दीजिए 5, 5 से गुणा करके 5 माइनस कर, यहाँ पर 6 से गुणा करके 6 5 माइनस कर दे। यानी एक संख्या बढ़ा करके आपको गुणा करना है और हमेशा 5 माइनस करना है, और देखना है आपको कॉन्स्टेंट बिठाना है कि क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, ठीक है। और आएंगे देखो, यदि ये क्वेश्चन समझ गए तो बहुत कुछ हल हो जाएगा आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पर आधारित। 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, 125 दिया हुआ। अब थोड़ा सा सोचो कि यदि 125 की बात करूं तो ये क्या है, 125 क्या है, 5 की सीरीज यदि देखें तो 5 का क्या होता है, घन होता है, वो 27 3 का क्यों होता है, 8 जो होता है 2 का क्यों होता है, और 1 का क्यों 1 होता है। यानी कि क्यों की श्रेणी चल रही है, पहले 1 का क्यों किया, 1 का क्यों करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यों करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 3 का क्यों करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पर यदि 4 का क्यों करूंगा तो 4 का क्यों करूंगा, यहाँ पर 5 का क्यों करूंगा तो 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का क्यों क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 64 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यों, फिर 2 का क्यों, फिर 3 का क्यों, फिर 4 का क्यों, फिर 5 का क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा शब्द देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, चौथा। 1 दिया हुआ है यहाँ पर, 2 दिया है, 9 दिया, 16 दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। अभी क्यों दिया था, अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर दिया, 1 तो दिया हुआ है, 1 से ही स्टार्ट है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, 1 का वर्ग यदि आप करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 का वर्ग यदि आप करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 9 का 3 का वर्ग यहाँ पर क्या था, 4, सीरीज में 4 होना था, गलती से हो गया, ठीक है। 1 4 9 16 यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, यदि यहाँ पर अब संख्या आएगी 5, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यदि सीरीज बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 का वर्ग आएगा, 6 का वर्ग यानी कि 36 आ जाएगा। और आगे यदि यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया जाए, फिर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 64 लिखा हुआ, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो 6 के बाद में 7 आएगा, यहाँ पर 8 का वर्ग आपको दिया हुआ है, तो 7 का वर्ग निकालिए, 7 का कितना होता है, 49 होता है।
तो इस प्रकार से वर्ग पर आधारित भी पूछे जा सकते हैं, घन पर आधारित पूछे जा सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग पर आधारित, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक और संख्या देखिए, 4 है, 10 है, 33 है, 136 है, इसमें क्या हुआ है? यहां पर देखो, 4 का यदि बात करूं तो 4 × 8 होता है, जो गुणा तो होगा ही होगा, जोड़ तो बहुत कम समान है, ठीक है। तो 4 × 2 यदि यहाँ पर 2 का गुणा करूं, ठीक है, तो कितना होता है? 8 होता है, 4 × 8 और 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8 और 2 प्लस कितना हो जाएगा? बराबर 10 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर इसको गुणा करूंगा 2 से तो 10 × 2 = 20 होगा और 2 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 33 है। तो यदि मैं यहाँ पर 3 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 30 हो जाएगा, प्लस यदि 3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 33 आ जाएगा। यदि इसी प्रकार से यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 से किया गुणा और 2 जोड़ा है, 3 से गुणा करो 3 जोड़ दो, यहाँ पर 3 से गुणा किया 3 जोड़ दिया। यदि यहाँ पर मैं 4 से गुणा करूं और प्लस 4 कर दूं कितना हो जाएगा? तो 4 से गुणा कर लेते हैं, सबसे पहले 4 × 3 = 12, ये 2 हासिल की आएगी 1, 4 × 3 = 12 और 1 = 13, 100 कितना होगा? 32 हो गया, और 132 में यदि 4 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। यानी सीरीज जो है यही चल रही है, पहले 2 से गुणा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 से गुणा, फिर 3 जोड़ा, 4 से गुणा, फिर 4 जोड़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए। अब बात करूं आकृतियों पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आकृति पर आधारित देख लीजिए, आकृति पर पूछे जाएंगे आकृतियों की, या तो तीरियों के बारे में पूछे जाएंगे, जिस स्क्वायर दिया होगा, त्रिभुज दिया होगा, पंचभुज दिया होगा, षटभुज दिया होगा, या फिर कुछ और आकृतियां दिया होगा, गोला दिया होगा, आयत होगा, त्रिभुज होगा, ये सब दिया होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक डंडी खींची ऊपर गोला लगा है, मतलब तीरी जैसा बना है, कड़ाई जो, कड़ाई से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, जो टेट की बात करो तो उसमें हमेशा कड़ाई का उदाहरण दिया जाता है, तीली का उदाहरण दिया, ठीक है। तो एक तीली गई ऊपर और मतलब उसमें गुंडी लगी हुई, ठीक है, फिर दूसरी तीली इस साइड से ऊपर गई है, फिर यहाँ पर गुंडी, फिर यहाँ पर देखो जे दोनों तो पहले वाले में गई थी, इसके बाद फिर एक से ऐसी वाली हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये इतना है, जे तीनों के तीन इसके हैं, इसके बाद में एक जे होगा, ठीक है, तो मतलब जे वाली संख्या तो है, ठीक है, जे वाली तो मिल गई आपको। अब इसके बाद में क्या करना है, जे वाली आए, जे कौन सी आएगी? जे वाली सेकंड वाली आएगी, जे आपका सेम टू सेम यहाँ पर इतना रख दिया, ठीक है, कितना इतना रख दिया इसको, ठीक है, इतना ये हो, ठीक है। इसके बाद में जे बढ़ा है, जे बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, तो जे वाली संख्या देख लो। अब इसके बाद में कौन सा पैटर्न आ रहा है? जे आ रहा, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा? इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। यदि इसके और आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद फिर यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? यहाँ पर इतना आ जाएगा, बस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें क्या है, दूसरे में यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, पंचभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ, सर्कल दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ, पंचभुज दिया है, त्रिभुज दिया है और वर्ग सर्कल दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या भरना है? तो यहाँ पर भरने के लिए आपको पहली बात तो आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं दिया, अभी इसके प्रश्न करवाऊंगा, इसके अगले वीडियो में इसके प्रश्न करवा दूंगा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब इसके और आगे देखेंगे तो त्रिभुज दिया, देखो त्रिभुज दिया है, गोला दिया है, त्रिभुज दिया, गोला दिया, इसके बाद वर्ग दिया है और दिया है पंचभुज, वर्ग दिया है पंचभुज, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एक तो वर्ग आएगा, इसके बाद में आएगा पंचभुज, इसके बाद क्या जाएगा? पंचभुज आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा और पंचभुज आ जाएगा। इस प्रकार से आकृति यहाँ पर आएगी, तो पूरा संख्या पैटर्न हो जाएगा, पूरी आकृति का पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया, यहाँ पर एक तीली दी हुई है, आगे बढ़ी हुई है, इसके बाद में एक ऊपर चली है, इसमें एक जे दी हुई है, इसके बाद ऊपर भी है, इसके बाद जे एक आगे बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पर एक आगे बढ़ गई। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा कि ये तो देखो, ये तो थी पहले में, दूसरे में जे बढ़ गई थी, ठीक है, तीसरे में जे बढ़ गई है, अब चौथे में जे वाली बढ़ जाएगी, तो जे ऐसी बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ेगा तो फिर जे इस प्रकार से बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ेगा तो जे भी आ जाएगी, और आगे बढ़ेगा तो जे ऐसी आ जाएगी, फिर जे ऐसी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आकृतियों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको कुछ आकृतियां इस प्रकार से मिलेंगी कि यदि ये दो पत्ती है, ये दो पत्ती है यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद में आगे की आकृति में कितनी है, ये दो पत्ती है और ये पत्ती और जे बढ़ रही, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में यह है, इस प्रकार से है, जो चौथी पत्ती आ गई, इसके बाद में फिर और देखेंगे तो जे है, जे है, जे है, जो चौथी पत्ती, अब जे पांचवी आ गई, तो आगे जाकर के क्या होगा? तो आगे जाकर के होगा क्या? जे बनेगा, जे बनेगा, जे बनेगा, और जे बना है, जे बना है, जे वाली एक पत्ती और यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से आकृतियां भी आती है, तो किसी भी प्रकार से आकृतियां वो आपको बनना चाहिए। 5 से के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा,
जिसमें पांच से पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्णमाला पर किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी बता दूंगा। और साथ ही साथ जो कैलेंडर जो है कैलेंडर स्पेशल होगा, और आप लोगों की डिमांड है कि जो घड़ी है घड़ी पर आधारित क्वेश्चन जो कौन होते हैं उन पर वीडियो बनाए, तो उसके लिए भी एक अलग बहुत अच्छा टॉपिक होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके तरीके से किसी भी घड़ी में आप देख पाएंगे कितने का कोण बन रहा है, उसके विपरीत कौन सा कांटा होगा, कितने बजे कितने का कोण बनेगा, वो सब उसमें देख लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही कोई सी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको एक सीरीज दे रहा हूँ जिसका आपको निकालना है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में रहेगा, इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन क्या है 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क 11, 13 यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये संख्या आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करनी है। जो भी आपका सही जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू का आंसर क्या होगा, ठीक है, एसडब्ल्यू का आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।